हम आने वाले हैं ये जाने वाले हैं एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए जयराम रमेश ने क्यों कही ये बात। जयराम रमेश का कहना है कि एग्जिट पोल मैनेज किया गया है, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं हुआ है। 4 जून को वास्तविक पोल आने दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को आई एग्जिट पोल के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जहां जश्न के मूड में है, तो वहीं कांग्रेस इसे गलत बता रही है और पार्टी के नेता इन्हें खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल मैनेज किया गया है, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं हुआ है, 4 जून तक इंतजार करने को कहा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 4 जून को वास्तविक पोल आने दीजिए, इंडिया गठबंधन को 295 से कम सीट नहीं मिल रही है, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम आने वाले हैं ये जाने वाले हैं। जयराम रमेश ने आगे लिखते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग जाने वाले हैं, पोस्टर बैल्टी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग डरा हुआ है, उनका जाना तय है। कांग्रेस ने किया था बहिष्कार का ऐलान, इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वे 1 जून को न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल से जुड़ी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि पार्टी ने 4 जून को वास्तविक परिणाम आने से पहले अटकलों और बहस में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मतदाताओं ने वोट डाल दिया है और उनका फैसला सुरक्षित है, परिणाम 4 जून को आएंगे, इससे पहले हमें टीआरपी के लिए अटकलों और बहस में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्जिट पोल बहस में भाग नहीं लेगी, हम 4 जून से बहस में खुशी खुशी हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव भी एग्जिट पोल का कर चुके हैं विरोध। इस बीच समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शुक्रवार को एग्जिट पोल को लेकर लोगों को सचेत किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके बहकावे में न आने की अपील की। अखिलेश यादव ने लिखा, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। आप सभी को कल को होने वाले मतदान के दौरान और मतदान के बाद के दिनों में भी पूरी तरह से सतर्क, सजग और सावधान रहना चाहिए, जब तक कि मतगणना पूरी ना हो जाए और आपको जीत का प्रमाण पत्र ना मिल जाए, भाजपा के बहकावे में ना आए। दरअसल मैं ये अपील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा वालों ने यह योजना बनाई है कि जैसे ही कल शाम को चुनाव खत्म होंगे, वे मीडिया समूह से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू कर देंगे कि भाजपा को करीब 300 सीटों की बढ़त मिली है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर झूठ फैलाएगी ताकि मतगणना के दिन विपक्ष सतर्क ना रहे, इसका फायदा उठाकर भाजपा मतगणना में धांधली कर सकती है।